राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते तापमान में काफ़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बता रहा है मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है। साथ ही राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है जिसके चलते काफ़ी ठंड जो है वो बढ़ेगी। इस वक्त मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर पर, जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो दिन रात यहाँ पर तैनात हैं वो अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार ये लोग यहाँ पर तैनात हैं क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन ठंड से बचाव के लिए अलाव जो है उसका सहारा लिया जा रहा है। तो इसी तरह की तस्वीरें राजधानी दिल्ली के हर कोने में देखने में मिल रही है, जहाँ पर लोग अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में और तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा सकती है। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और साथ ही कोहरा जो है वो भी दिल्ली कुछ इलाके में देखने को मिल रहा है। तो साफ है कि जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है उसके चलते लोगों को कुछ परेशानियां जो है वो देखने को मिल सकती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, सावधानी बरतें जिसके चलते ठंड से उन्हें दिक्कत ना हो। कैमरा रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार।